सबसे पहले हमें चाहिए होगा वाटर, बस थोड़े से वाटर को गरम कर लें। तो अब हमें चाहिए जो हमारा मेन है लाइफ बॉय सोप। इसके साथ साथ ऐड करने के लिए हमें चाहिए होगा चूना, जो खाते हुए पान्स को अप्लाई करते हैं वो चूना, और ये रेड फूड कलर ये ऑप्शनल है। तो दोस्तों, बहुत दिनों से पूछा जा रहा था कि लाइफ बॉय सोप से नेल्स मेहंदी बनती है क्या, उसको अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप लोगों के फरमाइश पर आज की ये वीडियो, तो वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिए। बाय सोप इतना आसानी से नहीं घुलता, तो इसको हम थोड़ी देर ये गर्म पानी ऐड करके रखेंगे साइड में। सोप वाटर में अच्छे से घुल जाने के बाद, यानी एक स्मूथ पेस्ट बन जाने के बाद, हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चूना। इस तरह बनने वाली नेल्स मेहंदी हम अपने नेल्स पर अप्लाई कर सकते हैं क्या हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फरमाइश पर बना रही हूँ। चूना ये कितना हार्ड होता है और स्पेशली हमारे स्किन को हार्मफुल है एंड डैमेज करता है। अगर आपका स्किन सेंसिटिव रहा तो ऐसे प्रैक्टिकल्स को दूर ही रहिएगा। जैसे हेना कोन्स में फास्ट कोन्स रहते हैं, यानी लगाते ही इमीडिएटली स्टेन आ जाता है, वैसे ही नेल्स मेहंदी में भी ये फास्ट नेल्स मेहंदी की तरह काम करता है। स्पेशली बच्चों को, सेंसिटिव स्किन वाले, घर के बड़े लोग यानी बुजुर्ग लोग, इस तरह के न्यू रेमेडीज को अवॉइड कर दीजिए। स्टेन आना ही हमारा मेन मकसद नहीं है, वो हमारे स्किन पर, नेल्स पर किस तरह काम करता है, हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो नेचुरल है या नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करेगा। तो यही रीजन था कि मैं इतने डेज डिले करने का, पर इंस्टाग्राम पर भी आके स्पेशली मैसेज कर रहे थे कि एक बार शेयर कर दीजिए। तो देखें जी कैसा कलर आ गया बस थोड़ी ही देर में, यानी पेस्ट और कंप्लीट सूखा भी नहीं, उसका स्टेन देखिए किस तरह आ गया नेल पर। और कहते हैं इसको रिमूव करते ही कोई भी एक हेना कोन यानी हेना पेस्ट इस पर अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस तरह के न्यू रेमेडीज को मत ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, हज के मुबारक दिन चल रहे हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में खास ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।